बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी शाज़िब पराचा। प्यारे बच्चों, बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो आप लोगों के जहनों में हैं और आप बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि सर, हमारे तीन पेपर हैं, चार पेपर हैं, दो पेपर हैं। हम बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस लेते हैं और हम आपके एमएस ऑफिस की भी क्लासेस ले रहे हैं। होता यह है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे, हम बाकी सब्जेक्ट को कब टाइम दें, आपके असाइनमेंट्स को कैसे करें। ये तमाम सवाल आपके जहन में, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के जहनों में तो ये पहले सवाल आते हैं। मतलब ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले बच्चे मुझसे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो उन बच्चों को ये सवाल काफ़ी तंग करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आप तमाम बच्चों के लिए ये जो अभी बात मैं करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस बात से आप तमाम बच्चों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। और वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए तरीक़ेकार जो सोचा है वो ये सोचा है, जैसे आज आप लोग अगर नोट करें तो एमएस आउटलुक के जो लेक्चर हैं, यानी एमएस आउटलुक को मैं अगर एक लाइव क्लास में पढ़ाऊँ तो इट विल टेक 2 आवर्स टू कम्प्लीट दी इंटायर टॉपिक। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया। सेपरेटली रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप उन्हीं लेक्चर्स को एक अच्छे अंदाज में, क्योंकि लाइव लेक्चर में होता है कि थोड़ी बात मैंने की, फिर बच्चों ने उनको अप्लाई किया, फिर वापस पढ़ा रहे हैं, फिर अप्लाई करने के लिए टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरह की सेपरेटेड रिकॉर्डेड वीडियोज़ बनाते हैं तो उसमें एक बेनिफिट यह होता है कि हम स्ट्रेट वन वे कम्युनिकेशन होती है, हमें किसी स्टूडेंट के फीडबैक का वेट नहीं करना पड़ता, तो उसका जो टाइम स्पैन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो 2 आवर्स का हमारा जो लेक्चर था वो 1 घंटे के अंदर हमारा आ चुका। सर, अगर आप इस तरह से हमें, क्योंकि बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर आपने एक क्लास के अंदर ये पूरा सब एरिया, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, सर आपने डे बुक्स को 2 घंटे में पढ़ाया और हमें जो आपने सेपरेट रिकॉर्डिंग करके दिया उसमें आपने 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया, तो सर हमारे तो आर्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, हमें तो इस तरह से करना पड़ेगा। अब बात सर ये है कि मैं, आप अगर नोट करें स्पैन को, कि उस क्लास में जिस क्लास के 2 घंटे के अंदर मैंने पढ़ाया, मैंने अगर मेरा हिस्सा निकाला जाए, यानी असल पढ़ाने का पोर्शन निकाला जाए, तो 50-60 मिनट ही बनता है, क्योंकि वहां पर मैं पोर्शन दे रहा होता हूँ पहले बच्चा। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, बच्चा रिपीटेटिवली सवाल करता है, सर आवाज़ नहीं आ रही थी, सर ये मसला हो रहा था, सर मेरे पास लाइट चले गई, मुझे इंटरनेट का इशू हो गया, हमारी तरफ से इंटरनेट का इशू हो गया तो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, स्क्रीन स्टक हो गई है। मतलब हम चीज़ों पर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर उस 2 घंटे की क्लास का भी क्रक्स निकालो तो असल कितने आर्ट्स पढ़ाए गए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, बच्चे के रिपीट, बच्चे को टाइम देना, फिर इसके बाद दूसरे बच्चों का। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक क्लास है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की, अब उस पे बच्चे 8 बजे नहीं आएंगे, बच्चों के लिए वेट करना पड़ता है, 8:15, 8:20 तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे आ जाए, कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे 5-10 मिनट के लिए रुक जाए, सर मैं रास्ते में हूँ, तो इवेंचुअली क्लास में जो टीचर की टीचिंग है वो होती उतनी है। लेकिन आप बच्चों को ये फील होता है कि यार 2 घंटे के लेक्चर को आपने 1 घंटे में कवर करा दिया, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो मतलब फिर फायदा ही नहीं है ना, ये सेपरेटेड वीडियोस को रिकॉर्ड करने का फायदा ही नहीं है। तो अब से मैंने ये एक इनिशिएट लिया है, जैसे आपको एक उस इनिशिएशन का सैंपल मैंने दे दिया कि मैंने आउटलुक आपको अपलोड रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। अब आप लोग अपने पेस पे क्या कर सकते हैं उसे देखें। इसी तरीके से मैं एमएस वर्ड के भी लेक्चर अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग क्या करें, जैसे अब ये सर क्या ये लाइव क्लास वालों के लिए या वो बच्चों के लिए जो ऑन कैंपस क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ गलत तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए तो और अच्छा है। यानी कि ये जो स्टेप मैं अभी लेने जा रहा हूँ ये तमाम बच्चों के लिए विन विन है। कैसे?
कि आप लोग जो मेरे साथ क्लास में जेलप हो के, जैसे मैं अभी अभी जो मैं अभी बात करने वाला हूँ उसमें मैं ऑनलाइन लाइव वालों से और फिजिकल जो क्लास लेता उनसे मुखातिब हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग की तरफ वापस आऊँगा, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बेटा आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है क्या, कि एक तो आप क्लास में एक्सेल सीख रहे हो, वो तो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन आप अपने पेस पे क्या कर सकते हो, अपने एडिशनल आर्ट्स को इस तरह से कवर कर सकते हो मेरे रिकॉर्डिंग से। अब जैसे एक बात मैं कहूँगा कि हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जून में कोर्स कवर होना चाहिए था, है ना, और कवर होगा इंशाल्लाह, लेकिन बीच में एक हफ्ते का इतना बड़ा गैप आ गया जिसमें इंटरनेट हमारा ख़राब था, बहुत सी चीज़ों में इशू आ गया। अब वो एक हफ्ता पूरा का पूरा कौन कंसिडर करेगा, आप लोग तो नहीं करेंगे, हालांकि इशू आपके साथ भी था, इशू हमारे साथ भी था और सब लोगों के साथ था, लेकिन वो इशू कंसिडर नहीं होगा क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको एग्जीक्यूट करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट ही नहीं चल रहा, चीज़ें ही नहीं हैं, तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया, उस पर बात नहीं कर रहे। अब से आउटलुक दे दिया, इस तरह से आपके पास 2-3 लेक्चर MS वर्ड के आना शुरू होंगे, आप अपनी पेज पर क्लास लें और वो एक्स्ट्रा जो MS वर्ड, अब इसका मतलब ये सर कि आप क्लास में MS वर्ड नहीं कराएंगे, नहीं बेटा मैंने कभी भी अपनी वीडियो पे नहीं कहा, मैं तो आपको जो बच्चे हैं ना कि भाई मैं अपने पेस पे क्लास लूँ, मेरे जल्दी आर्ट्स कवर हो जाएं, मुझे ये सुकून हो जाए कि मेरे 70 घंटे पूरे हो रहे हैं, सर तो क्लास में अभी तक एक्सेल ही करा रहे हैं, वर्ड कब कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखो बेटा हम पूरे पूरे कोर्स को है ना एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं फिजिकल क्लास में आते हैं, लाइव ऑनलाइन सेशन में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कनेक्टेड हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड में हैं असल मसला उनका, क्योंकि वो ना पूछ रहे होते हैं। अच्छा फिर ऐसे भी बच्चे हमारे पास हैं जिन्होंने अभी तक पोर्टल को हाथ भी नहीं लगाया, वो सो सुला के उठ के आते हैं और उठ के आने के बाद वो क्या करते हैं, फिर जागते हैं, सर मेरे पास ये नहीं आया, सर मेरे पास तो ये बैच के यही लेक्चर आ रहे हैं। जब बैचेस की एलोकेशन की बात, तब तक इवन मैं आपको बताऊं डेली 15 से 20 बच्चों का मैसेज आता है कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारा ग्रुप भी कोई है, ऐसे भी बच्चे मैसेज करते हैं। अब ये बच्चे जो मैसेज करते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर ने जो 30 जून को टाइम बोला है उस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो मेरी, मैंने ये आपको बता दी कि अब से आपके साथ मैं क्या मतलब आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ। दूसरा मेरे बच्चों, मेरी तमाम आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यार देखो ये स्किल है, इसको टाइम किलिंग नहीं बनाना कि 70 घंटे बस पूरे कर लो। बेटा अगर 70 घंटे पूरे करने होते तो आप मेरे पास क्यों आए हो, आपको हम YouTube से रिकॉर्डेड वीडियो लगा के दे देते, आप वो देख लो। असल में आपको जो चीज़ सीखनी है ना, जब तक आप उस माहौल के पार्ट नहीं बनेंगे ना तब तक आप नहीं सीख सकते। अब ये बात जिन बच्चों को माशाल्लाह समझ आई है ना, वो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं और उनको लाइव क्लास ज़्यादा इंटरेक्टिव लग रही है। लेकिन जिस बच्चे ने मेरी कोई बात, अब मैंने अपनी वीडियो, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन सीरियस एटीट्यूड, मैं लास्ट से कुछ दिन, मतलब कुछ दिन पहले अपनी वीडियोस को यूट्यूब के जरिए आपके पास भेज रहा था, हमारे ग्रुप पे टोटल मिला के 1200-1300 बच्चा है, लेकिन पता है व्यू कितने बच्चों ने किया है, सिर्फ 350 बच्चों ने, 250 बच्चों ने, 200 बच्चों ने। इसका मतलब जो बाकी की आवाम है उसने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं बीइंग अ टीचर आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ बना के शेयर कर रहा हूँ, तो आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उसको खोल के भी देख लिया जाए। देखो ये सारी चीज़ें ना एक वक्त के बाद है ना आपको इतना रिग्रेट देंगी कि एक अपॉर्चुनिटी दी और आप लोगों ने मिस कर दी। तो बहरहाल इस वीडियो में आपको बताने का मकसद था रिकॉर्डेड वालों के मसले हल करने थे, जब आपके पास ये सारे लेक्चर्स आ जाएंगे आप अपने पेज पे चीज़ें देखते रहें, आप अपने पेज पे चीज़ें देखते रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। कभी लेक्चर अपलोड लेट होता है आपका कंसर्न ही नहीं है, आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वो वर्ड के लेक्चर देख लें, पावर पॉइंट के लेक्चर देख लें, वो लेक्चर अपने हिसाब से अपलोड होते रहेंगे, इसका कतन ये मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेक्चर अब लेट ही अपलोड होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बच्चे की क्लास रात 9 से या 8 से
10 के दरमियान होती है, और वो रात को 2:30 बजे मैसेज मुझे करता है और कहता है कि सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ जो आज क्लास हुई थी। अब मुझे बताओ ये कोई, ये कौन सा ऐसा एक बिहेवियर है कि मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब कभी कभी ये ताज्जुब होता है कि ये किस तरह की हमारे एटीट्यूड है टूवर्ड्स स्टडी। तो थोड़ा सा यार इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, अभी 1 घंटा हुआ नहीं है, लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। अब बच्चे का पूछा जाए ना, बेटा आपने लेक्चर क्यों, सर वो मैं बिजी था, सर वो मैं फला काम से गया था, सर मैंने है ना असल में प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं लिए थे ना, तो इस वजह से मैंने ये लेक्चर नहीं लिया। तो बेटा प्रीवियस 2 लेक्चर ले लिए, बोले नहीं नहीं मैं सबके साथ कवर करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिंक है। अब ये जो आपकी अजम्पशंस है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे वीडियो देख के, जो बच्चे लिंक्ड होके बात समझ रहे हैं ना, वो 100% फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो बच्चे इस तरह से अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं ना, वो बाद में रिग्रेट ज़रूर करेंगे कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो सीख नहीं सके। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आपका ये करियर है, आप जितने सीरियस होंगे आपको फ़ायदा है, जितने नॉन सीरियस होंगे आपको नुकसान है। दुआ है कि आप लोग सीरियस हो जाएं, अपने स्किल को अच्छे से सीखें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।